और आज बीजेपी नेताओं के लिए अहम दिन है। आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। यह बैठक होगी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी पार्टी की, इसको लेकर मंथन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के चलते दिल्ली में आज खासी हलचल रहेगी। आज से 2 दिन तक चलने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगले 1.5 साल के लिए बीजेपी का एजेंडा तय करेगी। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे होने वाली बैठक के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल जहां पर बैठक शुरू होगी, आप देख सकते हैं यहां पे पहला ये पोस्टर लगा है G20 का, प्रधानमंत्री का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। इस कटआउट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस पूरे कार्यकारिणी की थीम क्या रहने वाली है। उससे पहले बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें कार्यकारिणी का एजेंडा तय किया जाएगा। बैठक से पहले दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो करेंगे। रोड शो के रास्ते को बीजेपी के झंडे बैनरों से पाट दिया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में गुजरात महाजीत और G20 मेजबानी के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर भी मोहर लग सकती है।